मेरा सवाल शाहिद जी से है, आरती सक्सेना. काफी टाइम के बाद आपको देख रहे हैं पद्मावती के बाद, तो मतलब बोल सकते हैं कि मीटर आपका चालू था लेकिन बत्ती गुल थी. आप तो स्टेटमेंट मार रही है, मैं इस पे जवाब क्या दूं? स्टेटमेंट मेरा यही है, मैं आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा मीटर चालू हो गया. ये तो एक्चुअली मेरे यूजुअली मेरी एक साल में एक फिल्म आती है, ये तो मेरी दूसरी फिल्म आ गई इस साल में. तो मैं तो मेरी टीम और मैं तो बड़े वी आर अमेजिंग, वी हैव डन अ सेकंड फिल्म इन द सेम ईयर. तो हम तो बड़ा वी फील इट वाज अ ह्यूज अचीवमेंट कि हमने यू नो एक सेकंड फिल्म अचीव कर ली एक ही साल में. नहीं, लेकिन आपको सिंगल देखने में ज्यादा मजा आता है पद्मावती में काफी. मुझे सिंगल देखने में आपको, ये बात शायद मुझे अपनी बीवी से शेयर करनी होगी. फिल्म की जो कहानी होती है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं. तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वन हीरो टू हीरो, मैंने कभी फिल्म में उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किए हैं. चाहे वो उड़ता पंजाब हो जिसमें दिलजीत थे, चाहे वो रंगून हो जिसमें सैफ थे, चाहे वो पद्मावत हो जिसमें रणवीर थे. और इस फिल्म के अंदर भी दिव्येंदु जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. शायद लोगों को ये नहीं पता है क्योंकि उन्होंने अब तक फिल्म नहीं देखी है, लेकिन उनकी प्रेजेंस एक बहुत अहम प्रेजेंस है इस फिल्म के अंदर. और मैं उसको एक लीडिंग पार्ट से कम नहीं मानूंगा, ये बहुत ही अच्छा रोल है उनके लिए. शायद जब लोग फिल्म देखेंगे तो वो समझेंगे एक्चुअली उनके कैरेक्टर की वजह से ही सब कुछ होता है फिल्म के अंदर. तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सही कहानियों को चुनें और सही कहानियों को कहने की कोशिश करें, नहीं तो शायद दंगल कभी बनती नहीं, क्योंकि वो तो दो बेटियों की कहानी थी और फादर का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे आमिर खान. सो आई थिंक वी नीड टू ग्रो बियॉन्ड दीज लिमिटेशंस जो हम अपने ऊपर डाल देते हैं. और आई अप्रिशिएट द कॉम्प्लीमेंट, लेकिन मैं इन चीज़ों को कभी सीरियसली नहीं लेता. मैं अच्छी फिल्मों का हिस्सा बनना चाहता हूँ. मैं ऐसी फिल्में करना चाहता हूँ जो लोगों तक कुछ अच्छा कह पाएँ, शायद उनके दिल को थोड़ा सा टच कर पाएँ, उनको थोड़ा हंसा पाएँ, उसमें जितने भी लोग आए. आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम. आपके भाई की फिल्म रिलीज हुई धड़क, लेकिन आप सोलो प्रमोशन, हाँ सोलो लेकिन प्रमोशन में आपके प्यारे भाई है, लेकिन आप कहीं भी नजर नहीं आए प्रमोशन में. जी मुझे बुलाया नहीं, मैंने आज ही सुबह उसको मैसेज किया, मैंने फोटो देखी इंस्टाग्राम पे, कुछ उनकी पार्टी हुई, आफ्टर पार्टी, सक्सेस पार्टी हुई. तो मैंने उसको कहा भाई थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो. तो मुझे बोला नो ब्रो आई वाज नॉट श्योर इफ आई वांट टू कॉल एनीबडी. तो यू नो एंड हैविंग सेड दैट यू नो जब उनका ट्रेलर लॉन्च हुआ था तो मैं टिहरी में ही शूटिंग कर रहा था. एंड आई रिमेंबर आई वाज ड्राइविंग डाउन, ऑन नेटवर्क बहुत ख़राब है, एंड आई वाज ट्राइंग टू स्ट्रीम द ट्रेलर एंड सी इट. और मेरी उससे बात हुई थी, एंड मैं शायद सिर्फ यही कहूँगा कि ईशान इतना अच्छा एक्टर है कि उसको मेरे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे बिना ही ठीक है. मेरा आखिरी सवाल डायरेक्टर साहब से है कि लाइक कमल जी का इंटरव्यू किया था अभी, तो उन्होंने कहा था एक्टर जो मैसेज दे सकता है वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं दे सकता. तो कहेंगे आपका सवाल क्या था मुझे समझ में. कमल हसन जी का बीच में इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा कि जो एक्टर, उन्होंने एक सही वर्ड्स में यूज किया भांड, तो उन्होंने कहा जो एक्टर मैसेज दे सकता है अपने बातों से वो एक प्राइम मिनिस्टर भी नहीं दे सकता, तो लाइक राजा भी नहीं दे सकता. उनका कहने का ये मतलब था. तो मुझे ये पूछना था कि टॉयलेट एक प्रेम कथा और ये आपकी फिल्म बत्ती गुल, ये एक बहुत बड़ा इशू है बॉम्बे में ही नहीं हर जगह पे, लेकिन कितना असर होता है आप लोगों की बातों का गवर्नमेंट पे और ये इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट पे. आई थिंक हर चीज़ फिल्म पर डिपेंड करती है. फिल्म सबसे इम्पोर्टेंट होती है. अगर फिल्म अच्छी बनी है और अगर फिल्म लोगों तक पहुंच पाती है और उनके दिलों को छू पाती है और कितनी ज़्यादा वाइडर ऑडियंस तक पहुँच पाती है, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना यू नो उस इशू को कहाँ तक ले जा सकते हैं. आई वुड नॉट वॉन्ट टू कॉमेंट बिकॉज वी आर इन द बिजनेस ऑफ एंटरटेनमेंट एंड पॉलिटिक्स इज अ वेरी डिफरेंट प्रोफेशन, सो आई डोंट थिंक आई वुड लाइक टू ड्रॉ एनी पैरेलल्स आउट देयर. बट इफ यू मेक अ गुड फिल्म यू विल बी एबल टू रीच आउट टू मेनी 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 पीपल, एंड दैट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी विच ऑल ऑफ अस हैव इट.